हे गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिंदी टेक HD। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं Redmi 10 Prime वर्सेस Realme 7 के बीच में, और साथ ही देखेंगे कि फ़ोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी ऑफ द डिवाइसेस, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स एंड अबाउट द प्राइसेस में कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए कैमरे से स्टार्ट करते हैं। रियर कैमरे की बात की जाए तो 10 Prime में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और वहीं बात की जाए रियलमी 7 की तो उसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो 64 मेगापिक्सल के वाइड कैमरा होने की वजह से रियलमी 7 इस केस में विनर रहेगा, जो कि आपको हाई रेजोल्यूशन ऑफ फोटोज़ प्रोवाइड कराएगा। और बात की जाए फ्रंट कैमरे की तो 10 Prime में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है, और वहीं बात की जाए Realme 7 की तो 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। Realme 7 आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा एज़ कम्पेयर टू 10 Prime के, सो इस केस में विनर रहेगा Realme 7। तो बात की जाए कैमरा फीचर्स की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सो इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो 10 Prime में आपको फुल HD की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे देखने को मिल जाती है, और Realme 7 में आपको 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे, फुल HD की रिकॉर्डिंग 120 FPS पे जार इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिल जाती है। तो इस केस में विनर रहेगा Realme 7, क्योंकि आपको ये जार इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जो कि आपकी वीडियो फुटेज को स्टेबलाइज करेगा और शेकिनेस को रिमूव करेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए यूज़र इंटरफेस की तो 10 Prime में आपको MIUI 12 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और MIUI आपको Realme 7 में देखने को मिल जाता है, सो क्लियरली दोनों के बीच में टाई रहेगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट यूज़र इंटरफेस है, आपको कौन सा पसंद है वो आपके ऊपर है। और बात की जाए प्रोसेसर की तो 10 Prime में आपको MediaTek Helio G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और Realme 7 में आपको Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, सो क्लियरली इस केस में विनर रहेगा Realme 7, क्योंकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है एज़ कम्पेयर टू 10 Prime के। और बात की जाए GPU की तो 10 Prime में आपको Mali G52 का GPU देखने को मिल जाता है, और वहीं Realme 7 में आपको Mali G76 का GPU देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा FPS आपको Realme 7 दे देगा गेम्स में एज़ कम्पेयर टू 10 Prime के, इसलिए इस सेगमेंट में विनर रहेगा Realme 7। और बात की जाए क्लॉक स्पीड की तो 10 Prime में आपको 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, और Realme 7 में आपको 2.05 GHz की रियल क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। सो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए रैम ऑप्शंस की तो 10 Prime में आपको 4 और 6 GB का रैम ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और Realme 7 में आपको 6 और 8 GB का रैम ऑप्शन। तो ज़्यादा बड़े रैम ऑप्शंस होने की वजह से Realme 7 इस केस में विनर रहेगा। बात की जाए इंटरनल स्टोरेज की तो दोनों डिवाइसेस में आपको 64 और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme 7 में आपको फास्टर रीड और राइट स्पीड देखने को मिल जाती है, इसलिए इस केस में विनर रहेगा Realme 7। और बात की जाए एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट की तो दोनों ही डिवाइसेस में MicroSD XC का कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, सो इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले फीचर्स की तरफ। स्क्रीन साइज से स्टार्ट करते हैं तो दोनों डिवाइसेस में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले साइज के मामले में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस में आपको 83.4% का रेशियो देखने को मिल जाता है, सो फिर से दोनों के बीच में टाई रहेगा। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको फ्लैश डी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सो दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए डिस्प्ले टाइप की तो 10 Prime में आपको LCD डिस्प्ले 90Hz के पैनल के साथ देखने को मिल जाता है, और वहीं Realme 7 में आपको IPS LCD डिस्प्ले 90Hz के पैनल के साथ देखने को मिल जाता है, सो इस केस में विनर रहेगा Realme 7, क्योंकि IPS LCD की व्यूइंग एंगल्स ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल LCD पैनल के। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के बॉडी फीचर्स की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट है। थिकनेस से स्टार्ट करते हैं, 10 Prime में आपको 8.9mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, और वहीं बात की जाए Realme 7 के तो 9.4mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, सो इस केस में विनर रहेगा 10 Prime।
दोनों डिवाइसेस के वेट की बात की जाए तो 10 प्राइम में आपको 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिल जाता है और रियलमी 7 में आपको 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। सो वेट के सेगमेंट में दोनों के बीच में विनर रहेगा 10 प्राइम। और बात की जाए प्रोटेक्टिव ग्लास की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही डिवाइसेज आपको प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिल जाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए सिम ऑप्शंस की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिलता है, सो फिर से दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। फिंगरप्रिंट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, सो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए सेंसर्स की तो 10 प्राइम में आपको एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन रियलमी 7 में आपको एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो इस केस में विनर रहेगा रियलमी 7 क्योंकि इसमें आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बात की जाए बैटरी कैपेसिटी की तो 10 प्राइम में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और रियलमी 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी के मामले में विनर रहेगा 10 प्राइम क्योंकि ये बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। और वहीं बात की जाए चार्जिंग स्पीड की तो 10 प्राइम में आपको 18 वाट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और वहीं रियलमी 7 में आपको 30 वाट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, सो इस केस में विनर रहेगा रियलमी 7। और बात की जाए लाउड स्पीकर की तो 10 प्राइम में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रियलमी 7 में नॉर्मल स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो स्टीरियो स्पीकर्स आपको इमर्सिव साउंड प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए विनर रहेगा 10 प्राइम। हेडफोन जैक की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस 3.5 mm के हेडफोन जैक के साथ आते हैं तो दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कम्युनिकेशन चिप्स की तरफ। डब्ल्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं तो दोनों डिवाइसेस में वाईफाई एसी ड्यूल बैंड वाईफाई वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो डब्ल्यू लाइन के मामले में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन की 10 प्राइम में आपको 5.1 जनरेशन का ब्लूटूथ देखने को मिलता है और रियलमी 7 में आपको 5th जनरेशन का ब्लूटूथ देखने को मिलता है, ब्लूटूथ के मामले में विनर रहेगा 10 प्राइम। बात की जाए पोजिशनिंग चिप्स की तो 10 प्राइम में आपको AGPS ग्लोनस गैलीलियो BDS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रियलमी 7 में आपको AGPS ग्लोनस और BDS का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस केस में विनर रहेगा 10 प्राइम क्योंकि इसमें गैलीलियो की चिप मिल जाती है आपको। और बात की जाए USB कनेक्टिविटी की तो 10 प्राइम में आपको सेकेंड जन का टाइप सी कनेक्टर देखने को मिल जाता है और रियलमी 7 में सेकेंड जन का टाइप सी कनेक्टर OTG सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, सो इस केस में विनर रहेगा रियलमी 7। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के प्राइसेस की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन से रेंज में आता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो 10 प्राइम $200 से स्टार्टिंग रेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी और रियलमी 7 की बात की जाए तो $210 से इसकी स्टार्टिंग रेंज देखने को मिल जाती है। इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 12,000 इसकी स्टार्टिंग रेंज है और रियलमी 7 की स्टार्टिंग रेंज 15,000 rupees है। तो चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कंक्लूजन की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन से सेगमेंट में बेस्ट रहा। कैमरे में विनर रहा रियलमी 7, परफॉर्मेंस में विनर रहा रियलमी 7, डिस्प्ले में विनर रहा रियलमी 7, बॉडी सेगमेंट में विनर रहा 10 प्राइम, फीचर्स ऑफ द डिवाइस में टाई है, कम्युनिकेशन चिप्स में टाई और प्राइजेस में विनर रहा रियलमी 7। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ में ये भी बताइए इन दोनों डिवाइसेस में से आपको कौन सा डिवाइस बेस्ट लगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए इस पेज को और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम के हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं हूं अमित और आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।